सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। अगर पहले के समय की तुलना में देखा जाए तो आज के समय में महिलाएं कई तरह की भूमिकाओं में काम करती हैं, लेकिन इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों से परे जाकर दूसरों के लिए प्रेरणा की एक बहुत बड़ी वजह बनी हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि भारत की वंडर वीमेन डॉक्टर सीमा राव हैं, जो न केवल भारत की पहली बल्कि एकमात्र फीमेल कमांडो ट्रेनर भी हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको डॉक्टर सीमा राव के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आपको बताएंगी कि धैर्य, समर्पण और जुनून ये वास्तव में क्या होते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर सीमा राव की बायोग्राफी आपको जीवन में कुछ न कुछ अलग करने के लिए प्रेरित जरूर करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। करीब 49 साल की डॉक्टर सीमा राव का जन्म मुंबई के बांद्रा में हुआ था और इनके पिता प्रोफेसर रमाकांत सिनारी एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी और देश सेवा की भावना इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। और डॉक्टर सीमा राव तीन बहनें हैं जिनमें वे सबसे छोटी हैं। डॉक्टर सीमा राव को बचपन से ही शूटिंग का शौक था, लेकिन वे मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने जीएस मेडिकल कॉलेज से एमडी की पढ़ाई पूरी की। लेकिन देश की सेवा करने का जज्बा इनके मन में शुरू से ही था और इन्होंने सोच लिया था कि अगर नौकरी और देश सेवा इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वे देश सेवा को ही चुनेंगी। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर सीमा राव के शानदार करियर के बारे में। 19 साल की उम्र में डॉक्टर सीमा राव की मुलाकात मुंबई में ही मेजर डॉक्टर दीपक राव से हुई और डॉक्टर दीपक उस समय मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट रखते थे और वे उस टाइम मार्शल आर्ट भी सीख रहे थे और उनके कहने पर ही डॉक्टर सीमा राव ने भी मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया। और फिर मेजर दीपक राव और डॉक्टर सीमा राव ने एक दूसरे को जीवन साथी चुनने का फैसला भी लिया। मेजर दीपक राव इंडियन मिलिट्री के ट्रेनर, साइंटिस्ट, ऑथर और फिजिशियन होने के साथ साथ टेरिटोरियल आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। और फिर जब सन 1996 में डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड मेजर दीपक राव ने मिलकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ और एनर्जी चीफ के सामने कमांडोज को फ्री में मार्शल आर्ट और कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा, तब उनका प्रस्ताव सभी को पसंद आया और फिर उसके बाद से दोनों ने मिलकर भारत की सभी एलिट स्पेशल फोर्सेस को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया। और आपको बता दें कि डॉक्टर सीमा राव और मेजर दीपक राव ये दोनों लगभग 20 सालों से भारत की सभी एलिट स्पेशल फोर्सेस को फ्री में ही ट्रेनिंग देते आ रही हैं और तब से लेकर अभी तक ये 15,000 से भी ज्यादा सिपाहियों को ट्रेन कर चुकी हैं, जिनमें इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स, कमांडो विंग, कोर बैटल स्कूल, एकेडमिक एंड रेजिमेंट सेंटर, नेवी के मार्कोस मरीन कमांडोज, एनर्जी के ब्लैक कैट कमांडोज, एयरफोर्स गरुड़ कमांडोज, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री और पुलिस यूनिट्स के कमांडोज शामिल हैं और क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग इनका फुल टाइम प्रोफेशन है। और एक कई सालों से अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रखते हुए दूर दराज के स्थानों में कमांडोज को ट्रेनिंग देती आ रही हैं। और डॉक्टर सीमा राव ने एक इंटरव्यू के तहत बताया था कि कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने के दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को आगे जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने अपने मंगलसूत्र और गहने भी गिरवी रख दिए थे। और एक बार जब वे कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी तब उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु भी हुई थी, लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ दिया तो वे अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगी। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर उनके पिताजी जिंदा होते तो शायद उनका भी यही फैसला होता कि वे ट्रेनिंग को अधूरा ना छोड़ें। और तब ऐसे कठिन समय में डॉक्टर सीमा राव ने अपने 3 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद वे घर वापस आईं। और डॉक्टर सीमा राव और उनके हस्बैंड ने शादी के बाद भी अपने काम को जारी रखा और उन्होंने अपने काम में से फोकस को कभी भी हटने नहीं दिया, लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसके तहत उन्हें बाद में एक बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया जिसका नाम उन्होंने कोमल रखा। और डॉक्टर सीमा राव कमांडोज को फ्री में ट्रेनिंग देने का अपना काम आगे भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन अपने घर को चलाना भी उनकी मजबूरी थी और इसीलिए उन दोनों ने मिलकर मुंबई में एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग एकेडमी को ओपन किया। और एकेडमी के खुलने के कुछ टाइम के अंदर ही वहाँ मार्शल आर्ट सीखने वालों की भरमार भी लग गई और बाकी इस एकेडमी से उनका घर अच्छी तरीके से चल जाता है। डॉक्टर सीमा राव ने इंडियन एयरफोर्स कोर्स में स्काई डाइविंग करके पैरा विंग्स को भी हासिल किया है। इसके अलावा मिलिट्री मार्शल आर्ट में उनके पास 7 डिग्री की ब्लैक बेल्ट भी है। और डॉक्टर सीमा राव दुनिया की उन 10 ऐसी महिलाओं में शुमार हैं
जिन्होंने जीत कुनेदो सीखा है। जीत कुनेदो एक बहुत ही खास तरह के मार्शल आर्ट है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने इजाद किया था। डॉक्टर सीमा राव जितनी अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हैं उतनी अच्छी वे शूटर भी हैं और इंडियन मिलिट्री के कॉम्बैट शूटिंग मेथड्स को और आधुनिक बनाने में डॉक्टर सीमा राव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि डॉक्टर सीमा राव ने शूटिंग के एक नए मेथड को इन्वेंट किया है जिसका नाम है द राव सिस्टम ऑफ रिफ्लेक्स फायर। और क्लोज क्वार्टर्स में शूटिंग करने के लिए ये एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड है और परीक्षण के दौरान भी पाया गया है कि डॉक्टर सीमा राव का यह नया मेथड कन्वेंशनली यूज किए जाने वाले शूटिंग मेथड से कहीं ज्यादा बेहतर है। और कई सारे एनालिसिस के बाद डॉक्टर सीमा राव के इस मेथड को इंडियन आर्मी कमांडोज की ट्रेनिंग में भी शामिल किया गया है। और डॉक्टर सीमा राव मिसेस इंडिया वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा राव की खूबियाँ केवल इतनी ही नहीं है, वे एक बेहतरीन कमांडो ट्रेनर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लेखिका भी हैं और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि हैंडबुक ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म, आर्ट ऑफ सक्सेस, माइंड रेंज और भी ऐसी ही कई सारी किताबें। और डॉक्टर सीमा राव को उनके काम और देशभक्ति के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा भी जा चुका है, जैसे कि वर्ल्ड पीस अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड, फेमिना अवार्ड, प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड और नारी शक्ति पुरस्कार 2018 जो अभी हाल ही में 8 मार्च 2019 को दिया गया था। और आपको बता दें कि नारी शक्ति पुरस्कार भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि किसी विमेन को दिया जाता है। और जैसा कि डॉक्टर सीमा राव कहती हैं, इट्स नॉट इजी, इट नेवर इज, बट हु लाइक्स इट इजी एनीवे, ब्रिंग इट ऑन। इसका सीधा सा मतलब बस यही है कि ये चीज ना कभी आसान थी और ना कभी आसान होगी, लेकिन जो इसे करने की ठान ले वो इसे हर हालत में आसान बना ही देता है। यानी कि कोई भी चीज मुश्किल होगी या आसान ये निर्भर करता है आपके दृढ़ निश्चय पर। और अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसान से आसान बना सकते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।